400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. तो आपने सुना, हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार 2019 में चलने शुरू हुई थी। अभी तो ये सिर्फ दिल्ली टू कटरा और दिल्ली टू वाराणसी रूट पे ही चलती है। आने वाले टाइम में ये सारे रूट पे चलने वाली है। तो देखते हैं इसमें आखिर क्या खास बात है। पहली खास बात है, इसमें है ऑटोमेटिक दरवाजे। तो इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारी खास बातें बताने वाली हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल ब्लॉग पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो मैं आपको अगली खास बात बताती हूँ, इसका सीट देखो कितना कंफर्टेबल है, आप आराम से इसमें रेस्ट कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है। और ये सामने न्यूज़पेपर रखने के लिए बहुत अच्छा सा बैग है, सारे सीट के पीछे में आपको मिलेगा। और ये फोल्डिंग टेबल है, इसको आप ओपन करके इसमें खाना खा सकते हैं, लैपटॉप में वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन की तरह फैसिलिटी है। और ये फुट रेस्ट, आप जब आराम कर रहे हो तो फुट रेस्ट, आप उसको फुट रेस्ट उसमें रख के आराम से कर सकते हो। और ये वाटर बोतल रखने के लिए, और अगर आपको फुट रेस्ट यूज नहीं करना है तो उसको फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको दो सीट के बीच में स्पेस दिखाती हूँ, ये देखो कितना स्पेस है दो सीट के बीच में, बहुत स्पेसियस है। और ये मैं ब्लाइंड दिखा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत और स्टैंडर्ड ब्लाइंड है। आगे मैं और भी आपको खास बात बता रही हूँ। ये रीडिंग लाइट है, हर सीट के ऊपर रीडिंग लाइट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्लेन की तरह ये भी है। और ये ऑटोमेटिक दरवाजा, और उसके ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसपे ट्रेन की चलने की स्पीड आ रही है। और ये अभी देखो 131 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। और इस ऑटोमेटिक दरवाजा के पास आप जैसे जाओगे ये अपने आप खुल जाएगा। और ये देखो दो कोच के बीच में बहुत स्पेस है, ये बहुत वेल मेंटेन्ड है और बार बार इसमें सफाई होती रहती है। मैं आपको फिर से दूर से स्लाइडिंग डोर दिखा रही हूँ जो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। इमरजेंसी में दरवाजा ओपन करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इसमें गेट के पास भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कोच के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब मैं आपको फिर से खाली चेयर दिखा रही हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा ये कितना स्पेसियस है। ये मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखा रही हूँ जो हर कोच में रहता है, और ये लगेज रखने के लिए बहुत स्पेसियस जगह है। और अंदर का इंटीरियर तो शानदार है, बिल्कुल प्लेन की तरह। और इसमें ये देखो बिल्कुल प्लेन की तरह खाना सर्व करने आते हैं। और ये देखो ये ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है। अब मैं आपको अपने मोबाइल से फुल स्पीड दिखा रही हूँ इस ट्रेन का स्पीडोमीटर से, जो कि है 125 किलोमीटर पर आवर। अब ये बढ़ रही है, अभी 127 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर,
और ये मैं डिस्प्ले बोर्ड में भी दिखा रही हूँ, वहाँ पे भी 130 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ट्रेन में वाईफाई की भी सुविधा है जो आप डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे होंगे। अगली खास बात बताती हूँ मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप ड्राइवर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ड्राइवर से बात कर सकते हैं, उसकी फैसिलिटी यहाँ पे है। अगर आपको कोच में साफ सफाई का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या टॉयलेट साफ नहीं है या फिर कोच में एसी ठीक नहीं चल रहा है तो आप ये दिए गए नंबर पे डायल करके आप प्रॉब्लम अपना बता सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, आपका कंप्लेन की तुरंत सुनवाई होगी। अगली खास बात, इसमें एक कोच में दो ही टॉयलेट रहते हैं तो इसका ध्यान रखना। कुल मिला के ये ट्रेन तो गजब का है, बिल्कुल प्लेन की तरह लगे, सारी फैसिलिटी दी हुई है, शानदार ट्रेन है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा। थैंक यू।